नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में और मैं आपका एस्ट्रो चाचा बताने आया हूं आपको कि अगर आपके जूते चप्पल सही नहीं हो तो शनि आपसे बहुत नाराज हो जाता है और आपकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इंसान को जूते जो हैं वो साफ सुथरे पहनने चाहिए, अच्छे पहनने चाहिए, फटे हुए ना हो। जूतों का प्रयोग शनि को करता है शांत। अब देखिए, ये हमारे पैर में जूते हैं तो हम उसका महत्व नहीं समझते। जूते जो होते हैं या चप्पल जो होती है वो शनि ग्रह का कारक है। अगर वो अच्छे नहीं हो, जूते आपके चप्पल अच्छे नहीं हो तो शनि नाराज हो जाता है। शनि को नाराज क्यों करना? और कहते हैं कि जूतों से और चप्पलों से इंसान के बारे में पता लग सकता है कि उसकी औकात, उसकी व्यक्तित्व कैसा है, उसकी औकात क्या है, वो कैसा इंसान है। सब कुछ अच्छा है, ऊपर से सब कुछ बढ़िया कपड़े पहने, लेकिन अगर मान लीजिए उसके जूते अच्छे ना हों तो समझिए कि सारा व्यक्तित्व बेकार हो गया। क्योंकि इंसान जब आता है और उसकी पहचान करनी हो कि ये कैसा इंसान है, ये शुभ है अशुभ है, इसके लक्षण क्या है, सबसे पहले उसके जूते देखिए। अगर उसके जूते और चप्पल साफ सुथरे और अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो समझिए इस पर शनि का प्रकोप नहीं, ये व्यक्ति आपके लिए लाभदायक है। नहीं तो अगर वो ऐसे फटे हुए जूते या चप्पल या गंदे चप्पल पहन के आया है, वो शनि खराब उसका हो जाएगा तो आपका भी शनि भी बिगड़ जाएगा, आपकी भी मुसीबत आनी शुरू हो जाएगी। उसको अपने पास नहीं रख सकते, उसको अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकते, कर्मचारी नहीं रख सकते, उसके साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं कर सकते, उसको आप दोस्त नहीं बना सकते। तो जूतों पर नज़र रखिए, जूते इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और शनि के बारे में बताते हैं। अगर और आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी आपके जूते गंदे, मिट्टी लगी हुई नहीं होने चाहिए। और कहते क्यों, देखिए जूते पहन के आइए, कहते जूते घर के बाहर उतारिए, अंदर लेके नहीं आ सकते, या दूसरी घर का चप्पल अलग होता है, जूते बाहर उतारिए, चप्पल बाहर वाले बाहर ही उतार के आइए। तो वो तो आपको पता है कि इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उससे इन्फेक्शन फैलता, घर में इन्फेक्शन आ जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर में जाइए तो आपके जूते बाहर ही उतरवा लेते हैं, वहाँ का स्लीपर होता है साफ सुथरा, वो पहन के अंदर जा सकते हैं, वरना आप जाके वहाँ इन्फेक्शन छोड़ के आएंगे, अंदर का मरीज और इन्फेक्टेड होके परेशान हो जाए, बीमार हो जाए। आप घर से दुनिया भर के कहाँ कहाँ से चल के, दुनिया भर से कितनी गंदगी में से पैर रख करके आ रहे हैं और वो जूते लेके सीधे घर के अंदर आ जाते हैं, तो आपका शनि बिगड़ेगा नहीं? आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी क्या? आएंगी। तभी कहते हैं कि घर का एक स्थान होना चाहिए जहाँ पे मुख्य दरवाजे पे ना हो, साइड में छुपा के, जूते को सामने नहीं दिखना चाहिए, छुपा करके जूते को रख करके और फिर आइए। तो और जूते इसीलिए कहते साफ सुथरे होने चाहिए, पॉलिश किए हुए, मिट्टी धूल वाली ना हो, रोज उसकी सफाई होनी चाहिए। कहीं इंपॉर्टेंट काम में आप बाहर जा रहे हैं, किसी आवश्यक काम से जा रहे हैं, तो साफ सुथरे जूते चप्पल पहन के जाइए, तब काम होगा आपका, नहीं तो शनि बिगड़ जाएगा और शनि आपका भी बिगाड़ देगा। तो ध्यान रखें, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, ऑफिस में काम करते हो, व्यापार बिजनेस कुछ भी करते हो, पढ़ाई करते हो, बच्चे जूते चप्पल सही होने चाहिए, तब उनका भविष्य बनेगा, वरना उनका भविष्य अंधेरे में है। और जूते का प्रयोग देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, जैसे अभी वृश्चिक धनु मकर राशि वालों पे शनि की साढ़े साती चल रही है उनको, या आपके शनि की महादशा है कुंडली में, या शनि भारी है आपके ऊपर, तो जूतों का, नए जूतों का दान करिए।
और अच्छे से इज्जत से दे के आइए जूते। अब देखिए शनि बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। तो जूते जो है इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ग्रह भी अच्छे होते हैं, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है, घर में इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है। जूते का इतना बड़ा महत्व है इंसान की जिंदगी में। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी, अब क्या होता है जूते जो है इंपॉर्टेंट, देखिए जूते कभी भी ऐसे नहीं रखना है कि दो जोड़े जूते हैं, एक जूता इधर पड़ा है दूसरा इधर पड़ा है। जब भी रखेंगे दोनों को जोड़ा बना के साथ में रखना होता है, तब घर में मेल मिलाप, कलह क्लेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, आपस में मेल मिलाप बना रहता है। और जूते का एक प्रयोग देखिए, अगर शनि आपका बलवान हो जाए तो घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं, चूहे हैं, बहुत सारे सब है, जूते को ना खोलने के बाद उल्टा करके ऐसे रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार, सब भाग जाएंगे। तो इस जूतों का महाप्रयोग करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शनि को भी अच्छा कर सकते हैं। तो जूते का महाप्रयोग करिए और आपको सफलता मिलेगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, राम राम।